रमजान शरीफ आ रहा है ना, इसलिए कुछ खास बातों का जिक्र छेड़ा मैंने। हमारे यहां लोग समझते हैं कि सिर्फ कपड़े साफ रखना ही सुन्नत है और दांत साफ करना ही सुन्नत है और कंघा करना ही सुन्नत है, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। ये भी हुजूर को बड़ा पसंद है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, किसी के बारे में कोई बात मुझे ना पहुंचाना, यानी कोई ऐसी बात जो शिकायत बने किसी की। ये मैंने कहा कि नबी पाक अलैहि सलाम तो मासूम अनिल खता, तालीम उम्मत के लिए, किसी के बारे में कोई बात ना पहुंचाना। फरमाया, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में अपने दिलों को साफ रखना चाहता हूं। हमें ना बड़ा चस्का आता है जब कोई बंदा कहता है तेरे बारे गल की है, तो हो कोई फिर हम तुम्हारी दिलचस्पी होती है। दस उन्हें की आख्या, तू दस, तू मेरा वीर है, मैं तेरा नाम नहीं लेंदा, तू गल कर सही। ओ खुदा, क्या कर लेगा तू। और हमेशा जो बात आपको बताने वाला होता है ना, वो मुखलिस नहीं होता आपके साथ। एक शख्स आपको आके कहता है फलाना आपके बारे में ये बात कर रहा था, तो पूछना चाहिए ना उसे कि तू अगर मेरा सज्जन था तो फिर तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तू मुझे बताने आ गया। तेरा प्यार होता तो वहीं तू उस बात को क्लियर कर रहा था, तू तो यहां ले आया और वहां से उठाकर यहां तक आने में उसमें कई मसाले भी शामिल हो जाते। बात करने में लहजा होता है ना, वो लहजा बदल जाता है, वो गुफ्तगू का एक लहजा ही है ना। एक शेर है दागदेलवी का, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। अब फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये बात और है, और अगर इसे लहजा बदल के किया जाए ना बयान, तो फिर ये है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। सिर्फ लहजा बदला है, लफ्ज कोई नहीं बदला इसमें। अल्लाह करे आपको समझ आए, लहजा बदला है लफ्ज, लेकिन पहले बात और है, बाद में बात। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, इसका मतलब है कट सकता है। आपने लफ्ज नहीं बदला, लहजा बदला। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, इसका मतलब है काट ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लोग लहजा लफ्ज नहीं बदलते, सिर्फ लहजा ही बदल देते हैं और इनकलाब बरपा हो जाता है, सामने वाले को उखेड़ के रख देते। नबी पाक अलैहि सलाम की पसंद यह है कि उम्मत के दिल में किसी के लिए बोझ ना। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ए अंस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए अदावत ना हो, बुग्ज ना हो। सुबह उठो तो तबीयत हल्की फुल्की हो, किसी के बारे में सोच ना तुम्हारे दिल में बुरी हो। हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है और उसी ने मुझसे मोहब्बत की है जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की। नबी पाक की ये पसंद है, ये हुजूर की चाहत। तीसरी बात, नमाज हुजूर को बड़ी पसंद है। परेशान हो गए आप बात सुन, वो हमारे यहां ना सुन्नतें भी लोगों ने अपनी अपनी मर्जी की ना, नहीं मीठा खाना सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत है, मीठा खाना भी सुन्नत है, फाका करना भी सुन्नत है। नहीं रही मीठे वाली सुन्नत को आप कबूल ना करें, कई के दिनों तक फाका भी रहा, और हुजूर का फकर इख्तियारी है, कायनात के मालिक है नबी पाक, खजानों की कुंजियां, ये जो फाका किया ये मेरे नबी की पसंद है, ये हुजूर की चाहत है। मेरी बात को समझे, नमाज हुजूर को बड़ी पसंद, बड़ी पसंद। हम हदीसे सुनते हैं, बातें सुनते हैं, पर उनकी गहराई तक नहीं उतरते। आप कभी इन लफ्जों पर गौर करें कि हुजूर ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मर ना जाए उम्मती इस बात पर, इतनी बड़ी बात। फरमाया, जब तू नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, तेरे नबी की आंखें ठंडी होती। कितना खुश नसीब है उम्मती कि वो काम करता है जिसके जिससे करीम की आंखें ठंडी होती। हुजूर इतनी दिलचस्पी नमाज, दिलचस्पी आई तो हुजूर ने नमाज शुरू कर दी। तूफान आ गए तो नमाज शुरू कर दी, अगर बारिश नहीं होती तो नमाज शुरू कर दी, सूरज चांद ग्रहण हो गया तो नमाज शुरू कर दी। अब कोई भी खैर का काम है, आया तो तरावी है, ईद आई तो नमाज है, ईद उल फितर है, जुम्मा आया तो उसमें नमाज है। हर मकाम पे हुजूर ने नमाज रखी। आजकल बहुत बड़े जबरदस्त किस्म के आशिके मार्केट में मिलते हैं, फिर मैं 25 साल से करा रहा हूं,
भाई आप नमाज पढ़ते, कहते मेरे लिए दुआ करें। मैं क्या, तू महफल के बगैर दुआ तो ही कराई जाना, इसकी भी दुआ कराता, इसकी कराई, उसको खा तू नमाज पढ़ तो कहता कि बस जी तुसी मेरे लिए दुआ करो। वो मैंने कहा बाकी तो बगैर दुआ के कर रहा है तू। बैंक में तनख्वाह आ गई और डेट भी आ गई तनख्वाह लेने जाने की, तो कभी कोई बंदा पीर साहब के पास नहीं आया कि तनख्वाह आ गई है लेने जाने को दिल नहीं कर रहा जरा दुआ कर दे। आज तक नहीं कोई आया कि मेरी तबीयत नहीं कर रही कि मैं जाके ना वहां से पैसे ले आऊं जरा दुआ कर दे। और नमाज का कहे तो कहते दुआ करें। भाई आप इतने काम बगैर दुआ के कर रहे हैं पीर साहब की, तो ये फर्ज है, दुआ तो करेंगे, लेकिन ये क्या बात है? जिस चीज को हुजूर ने पसंद किया उस पर हमारी तबीयत फौरन मायल होनी चाहिए, फौरन मायल होनी चाहिए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इतना महबूब रखते, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हमने मगरिब की नमाज नबी पाक के साथ पढ़ी। ये जरा बात देखिएगा, हुजूर की दिलचस्पी देखिएगा, मगरिब हुजूर के साथ पढ़ी, कुछ लोग तशरीफ ले गए घरों को चले गए सहाबा, हम बैठ गए कि यार थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के जाएंगे। एक नमाज पढ़ी, दूसरे के इंतजार में बैठ गए। फरमाते सरकार भी तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद हुजूर वापस आए, तो हमने रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, करीम महबूब अलैहि सलाम को इस तरह आते देखा कि हुजूर तेज कदमों से चल रहे हैं और मुकद्दस सांस फूला हुआ है। हुजूर हमारे करीब आके बैठे, फरमाया क्या कर रहे थे तुम, तेजी से आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ख्याल आया दिल में कि हमने जाके क्या करना है, यहीं रुकते हैं, इशा की नमाज पढ़ के जाएंगे। तो महबूब फरमाने लगे अल्लाह करीम ने ना आसमान का दरवाजा खोला है जो उसकी शान के लायक, और तुम्हें उसने देखा है और उसने फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र फरमाया कि देखो मेरे महबूब के गुलाम एक नमाज पढ़ ली है और दूसरी का इंतजार कर रहे हैं। तो फरमाया मैं भी तुम्हें देखने आया हूं। सलाम को नमाज बड़ी पसंद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ आ गया, पांचों नमाजें तो अल्लाह के फजल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। 30-40 मिनट खड़ा होना ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सिर्फ जेन को समझाने वाली बात है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं। हमें पासपोर्ट के दफ्तर भी बड़ी बड़ी देर खड़ा रखा जाता है, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में भी बड़ी बड़ी देर लोग बेचारे खड़े रहते, इमिग्रेशन की लाइनों में लोग खड़े, बड़े बड़े दफातर में खड़े। तो मेरे ख्याल है 40 मिनट तरावी में भी बंदा खड़ा रह ही सकता है। और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो तरीका हम तक पहुंचा है वो ये है कि सैयद आयशा फरमाती हैं हुजूर तो रात को इतनी नमाज पढ़ते थे कि कदमों में वर्म आ जाते, यहाँ कौन है जिसके पैर सूज जाते हैं वो नमाज पढ़ते। तो तरावी की नीयत, उसका इरादा, और एक जगह मुस्तकिल तरावी पढ़ने का अहतमाम कि मैंने अज़वल ताखर कुरान पाक सुनना है, और फिर उसके साथ जो रमजान में बड़ी सआदत मिलती है ना बंदे को, बड़ी सआदत वो मिलती है सुबह सहरी में उठने की। यानी जिनकी, जो कहते हैं ना मेरी मुश्किल से आंख उठती है, चूंकि सारे मुसलमान उठते हैं तो उनकी भी आंख खोली जाती है, तो सहरी में उठना तो है ही, तो 10 मिनट पहले क्यों ना उठे की नमाज पढ़े। वो नमाज जो नबी पाक को बड़ी पसंद है, पहले तहज्जुद की नमाज पढ़े फिर सहरी खाएं। और ये जो सहरी खानी है ना, ये नहीं समझना मैं रोटी खा रहा हूं, दही खा रहा हूं, चपाती खा रहा हूं, सालन खा रहा हूं, सहरी खाना इबादत है। सहरी खाना हम तो खाते तो कोई 7 बजे नाश्ता करता है, कोई 9 बजे करता है, ये जो सवेरे सहरी खा रहे हैं ना ये खुद नहीं खा रहे, ये किसी ने कहा है तो खा रहे हैं, ये किसी के बिठाए बैठे। यहूदी सहरी नहीं करते थे, रोजा रखते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा और यहूदियों का फर्क ही सहरी का। हुजूर ने फरमाया सहरी खाया करो, इसमें बरकत है। और ये हदीस आपने सारा रमजान का महीना सुबह जरूर याद रखनी है जब आपने सहरी के लिए उठना, इसको नहीं भूलना। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। ये मत समझना कि हम सिर्फ रोटी खा रहे हैं, ये तो खुदा का फजल है, इसको दी हुई नेमत है। तो रमजान अल मुबारक में इबादात में इजाफा, तिलावत कुरान पाक का खास बंदोबस्त, खास
पता नहीं क्या हो गया है हमें, उनते उन सिर्फ मुंडिया नूं आखन दी लोड़ नहीं, तुसा नाराज नहीं होना, मैं वैसे भी चलना वा, टाइम हो गया उठने का, नाराज नहीं होना। वैसे अब मेरा दिल करता है कि बच्चों के वालिद से भी कहूँ कि तुसी भी थोड़ा मोबाइल घट इस्तेमाल करया करो। अब सिर्फ बच्चों की बात नहीं रही, बड़ों तक भी चली गई, क्योंकि अब बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी से ना, वो तो घर आते हैं तो कोई बात ही नहीं होती, मोबाइल ही मोबाइल रह गया। बाकी यार ये 11 महीने हमने ये सारा कुछ देखा, हमारे मुल्क में कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है ना, अल्लाह माफ करे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया, करना कराना तो है कुछ नहीं, यही चक्कर है, ये चल रहे हैं। तो 11 महीने हमने सियासी तबसरे देखे, खबरें देखी, और फिर बातें भी की, और फिर अंदर की खबरें भी सुनी, और अंदर की खबरें भी ली, तो क्या मुल्क में इनकलाब आ गया? तो 11 महीने तबसरों से कोई नहीं आया, तो 1 महीना रहने दो, छोड़ दो ये खबरें सबरें, ये पूरा महीना रब की इबादत में लगाओ, तिलावत कुरान का खास जौक, कुरान का रमजान से खास रिश्ता है। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, और नबी पाक को कुरान पाक से बड़ा प्यार है, हुजूर की बड़ी पसंद है तिलावत कुरान। किसी सहाबी को हुजूर बुला के कहते मुझे कुरान सुनाओ, और किसी के पास तशरीफ ले जाते, उस पर मेहरबानी करते और फरमाते मुझे हुक्म हुआ तुझे कुरान सुनाओ। ये आप देखिए अहादीस में किस तरह के तज़करे, कुरान पाक का खास। देहाती माहौल में पता क्या होता था, सारे बहन भाई दिन में कुरान पाक पढ़ते थे, रमजान में जब मौका मिला कुरान पढ़ना, तो बहन पूछती थी भाई से तेरे किन्ने इस बारे हुए ने, वो कहता मैं क्यों दसूं, तू दस तेरे किन्ने हुए, इसलिए कि ख्याल था मैंने ज्यादा पढ़ने, दूसरे का ख्याल था। अल्लाह करे वो दौर वापस आ जाए, अल्लाह करे लोग जम जाएं कुरान पाक से। एक पूरा कुरान मजीद खत्म हो तरावी में, और फिर 2 सिपारे साथ और पढ़े जाएं, एक पढ़ा जाए मस्जिद में रोज, एक पढ़ा जाए घर में, ताकि 3 कुरान पाक तो रमजान में खत्म हो जाए, कुछ जौक तो बनाया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम हर साल हजरत जिब्रील अमीन आते थे और रमजान में हुजूर के साथ कुरान पाक का दौर करते थे, हुजूर उनको कुरान मजीद सुनाते, वो नबी पाक को कुरान पाक सुनाते। तो इसका ज़हन बनाए। आखिरी गुजारिश आपसे ये है, सारा साल ही महबूब सखावत करते थे, लेकिन रमजान मुबारक में तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सखावत इस तरह की होती थी कि सहाबा कहते हैं हर साइल को हुजूर अता करते, हर साइल को हुजूर देते। हमने ना सखावत जिम्मे लगा दी है सिर्फ अमीर अमीर लोगों के, जो ज्यादा ही तगड़े। हुजूर ने हमें पता क्या बताया था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें कहा था कि दोजख से बच जाओ चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके बच जाओ, यहां से शुरू करो सखावत। और हुजूर ने फरमाया जब गोश्त पकाओ ना तो शोरबा ज्यादा कर लो, जरा अपने पड़ोसियों को भी थोड़ा सालन दे दो, यहां से सखावत शुरू फरमाई। हमने ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि देना मेरे जिम्मे है ही नहीं, मैं तो नहीं ना अब सखावत करनी, वो कोई और करे। और मेरे अजीज इमाम गजाली फरमाया करते थे अल्लाह तो बंदे के गुमान के करीब होता है, तू देने का मिजाज तो पैदा कर, रब तौफीक भी अता फरमाएगा, तू आगाज तो कर। गुर्बत बड़ी बढ़ गई, ये हुक्मरानों की शाह खर्चियां और इनकी जो मिजाज के अंदर जो है वो बेपरवाही है और आवाम के मसाइल से ना आशनाई, उसने गुर्बत बढ़ा दी। क्योंकि जो आदमी मालदार हो जाता है उसके ताल्लुकात भी मालदारों से हो जाते हैं, फिर उसे लगता है कि गरीब है ही कोई नहीं, गाड़ी में बैठने वाला अपनी गाड़ी में उसे तो नहीं ना पता होता कि भाई तो तकलीफ कितनी होती, वो फिर निकल जाता है, वो कहता है नहीं नहीं सब ठीक है, सब खुशहाल है, वो इन आजमाइशों का उसे दर्द। तो इस रमजान में कोशिश इंतहाई पर्दे के साथ, इंतहाई ख्याल के साथ आपके अजीजों में, महल्लेदारों में और जानने वालों में अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हों जो तकलीफ का शिकार हैं, तो वक्त पर, यानी 27 रमजान का इंतजार ना करें, टाइम पर उन लोगों के साथ खैर का रवैया करें, ये नबी पाक की पसंद है। ये जो चंद बातें मैंने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की पसंद की आपके सामने रखी हैं, उम्मीद करता हूं कि आप उन पर तवज्जो फरमाएंगे। महफिलें होती हैं नबी पाक के नाम की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो लोगों को आना भी होता है, जाना भी होता है।
मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम नज़रियात के कायल हैं, शख्सियात तो आती भी हैं चली भी जाती, दुनिया से भी चली जाती। इसलिए मुझे जाना है, दो एक जगह मेरे वादे और हैं। आप इत्मीनान से बैठेंगे, खूबसूरत माहौल बना हुआ है, हमारे बड़े खूबसूरत सना खान। टाइम कितना रह गया जी अभी? तो अब सिलसिला बन सकता है जी अभी, माशाल्लाह ताला महफिल आगे चल सकती है। तो आप माहौल को अगर देखेंगे तो इसमें अच्छा रहेगा, खूबसूरती रहेगी। अल्लाह ताला मेरी और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है कि महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से ये फरमा दें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर ये रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो फत्तबिउनी, आप इनसे कहें या आपकी पैरवी करें, इनसे फरमाएं कि मेरी पैरवी करो, फिर तुम्हें मिलेगा ये कि युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को कामिल, मुकम्मल और अकमल नमूना बना के इसलिए भेजा है कि जो इस खूबसूरत नमूने के मुताबिक अपने आप को ढालेगा और उन रस्तों पे चलेगा जिन रस्तों पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चलाया है, तो उस शख्स को अल्लाह की महबूबियत नसीब होगी। हमारे यहाँ किसी जगह कोई आदमी मेहमान जाता है तो लोग उससे पूछते हैं, आपकी पसंद क्या है, आप क्या खाएंगे? अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जनाब आप खाने में क्या पसंद करते हैं और आप मशरूबात में क्या पसंद करते हैं, दीगर चीज़ों में आप क्या पसंद करते हैं, वो चीज़ बना ली जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढूंढ लेते हैं, मालूमात कर लेते हैं, माँ बड़ी तवज्जो से पता कर लेती है कि मेरे बच्चे को क्या क्या पसंद है, फिर उन चीज़ों का वो एहतमाम भी करती है, कोशिश भी करती है और कोशिश करती है कि बच्चा जो चीज़ रगबत के साथ खा सके, उसकी सेहत के लिए, उसकी तबीयत के लिए वो चीज़ बाइसे बरकत बन सके वो चीज़ फराहम करती है। वालिद की भी ये ख्वाहिश होती है कि मैं मालूमात करूँ कि मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, फिर वो कोशिश करता है कि उनके लिए वो सारी ज़रूरियात एक जगह जमा कर दी जाए। ये एक अच्छा रिवाज है, जायज़ और हलाल और तय्यब रिस्क के साथ अगर किसी की पसंद की चीज़ को करीब किया जाए तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और ये बाइसे बरकती है, कोई नापसंदीदा चीज़ नहीं। सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम एक दूसरे को खुश करने के लिए ढूंढते हैं कि उन्हें क्या क्या पसंद है, तो फिर हमें ये भी तो ढूंढना चाहिए ना हमारे नबी पाक को क्या क्या पसंद है। सहाबा इसकी तलाश में रहते थे, ढूंढते थे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को महबूब हैं, हुजूर पसंद करते हैं, और फिर उन्होंने चुन चुन के वो चीज़ें ला के हमारे सामने भी रखी कि इन चीज़ों से नबी पाक की रग़बत ज़्यादा थी। मसलन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मिसवाक हुज़ूर को बड़ी पसंद थी और इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वक्ते विसाल भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मिसवाक करते हुए जब किसी को देखा तो हुज़ूर ने इशारा फरमाया कि मुझे मिसवाक कर, यानी वक्ते विसाल भी। तो सैयदा फरमाती हैं, मैंने वो मिसवाक ली, उसे चबा के नरम किया, हुजूर को पेश किया। आप गौर फरमाएंगे ये किसकी पसंद है? ये हमारे नबी पाक की पसंद है। और मौलाना हसन रजा फरमाते हैं कि रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद, और कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो हुजूर की जो पसंद है, नबी पाक की जो चाहत, ये हुजूर को बड़ा पसंद था कि मिसवाक से नबी पाक रगबत कर, दिलों का साफ होना, बातन का पाक होना हसद से, अदावत से, बुग्ज से, तकब्बुर से, हर किस्म के बोझ से तबीयत का हल्का फुल्का होना, ये नबी पाक की पसंद है।
हुजूर अलैहि सलातो सलाम के दिल में किसी के लिए कोई बात आ नहीं सकती, अल्लाह ने महबूब को मासूम बनाया है। लेकिन तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबा को फरमाया, किसी के बारे में मुझ तक कोई बात ना पहुंचाना। आपकी तवज्जो नहीं मेरी बात पर, अल्लाह करे आप जो मैं समझाना चाहता हूं उसे समझ जाएं। काफिर इसी पिच हो गया, फिर तस्बीह मुसल्ला की करना, असा जाहिर नूर रब मन आए, बातन दा अल्लाह की करना, असा जाहिर नूर रब मन आए, बातन दा अल्लाह की करना।